नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दोस्तों, आमिर खान फिल्मों में हमेशा अपने अलग लुक से फैंस को सरप्राइज करते हैं। वो हर फिल्म से पहले अपने बाल और दाढ़ी बढ़ाते हैं। हर कोई ये सोचता है कि अरे यार, ये फिल्मी सितारे भी अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करते रहते हैं बिना बात की हवाबाजी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। देखिए, इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि अगर कमर्शियल फिल्मों में कोई सुपरस्टार एक्सपेरिमेंटल सिनेमा करता है तो वो आमिर खान ही है। इस ट्रेंड की शुरुआत आमिर खान ने अपनी फिल्म गुलाम और दिल चाहता है से की थी। हर जगह आमिर खान के डिफरेंट लुक्स की चर्चा हुई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। और हाँ दोस्तों, गजनी को कोई कैसे भूल सकता है। कई स्टार्स ने आमिर खान के इस पैशन को फॉलो किया। कभी शाहरुख खान ने सिक्स पैक्स बनाए, अक्षय भी हर फिल्म में अब अलग ही नजर आते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें सलमान खान की, तो उनको इस टॉपिक से अलग ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो तो बॉलीवुड में अपनी अलग ही सरकार चलाते हैं। खैर, तो अब एक बार फिर आमिर खान दाढ़ी बढ़ाकर घूम रहे हैं। कोई ये कहता है कि आमिर खान ओशो की बायोपिक कर रहे हैं, कभी महाभारत में करण का रोल कर रहे हैं, कभी म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज बिजनेसमैन गुलशन कुमार की बायोपिक कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आमिर खान अपनी हर नई फिल्म से पहले अपने बाल और दाढ़ी बढ़ाना इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि इससे उन्हें अलग अलग लुक के साथ, किरदार के साथ खेलने में मदद मिलती है। और जब डायरेक्टर लुक टेस्ट करते हैं तो फिर एक्टर का चेहरा भी फ्रेश नजर आता है। इससे और आसानी से एक ही फिल्म में अलग अलग कैरेक्टर नजर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सिक्के के दूसरे पहलू पर भी नजर डालते हैं। दरअसल आमिर खान सिर्फ एक्टर ही नहीं है, एक ब्रांड भी है। उन्होंने कब छींका, कब ट्वीट किया, नाक छिदवाया, कान छिदवाया, सब पर पैसा लगा हुआ है। सबके मार्केटिंग एजेंट्स हैं। तो जितने वो डिफरेंट लुक्स रखते हैं और जितनी उसकी चर्चा होती है, उसका पैसा भी आमिर खान की झोली में ही जाता है। दोस्तों, जितने मुंह उतनी बातें। हम तो अपनी बात को यहीं विराम देते हैं और ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में आमिर खान का कौन सा नया लुक सामने आता है।